मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार करीब 3 महीने बाद हुई कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों की 2024-25 की स्थानांतरण नीति को हरी झंडी मिल गई है। इस नीति के तहत एक ही जिले में 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात समूह का और खा के अधिकारियों और कर्मचारियों का दूसरी जगह तबादला किया जाएगा। एक ही मंडल में 7 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वालों को भी दूसरे मंडल भेजा जाएगा। तबादले 30 जून तक किए जाएंगे। साथ ही लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए भूमि खरीदने जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। भूमि क्रय के लिए अनुमानित कीमत 274 करोड़ 22 लाख रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने देय निबंधन शुल्क में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की छूट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए आसपास के 3 गांव गजरौला मुझा और फुलवरिया की 265.19 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि हवाई अड्डे का विस्तार होने पर वहां 72 सीटों वाला विमान भी उतर सकेगा। चिकित्सा शिक्षा के दो हैं, एक चिकित्सा शिक्षा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा से संबद्ध 500 बेडेड अस्पताल जो 15 एकड़ भूमि पर निर्मित है को भूमि उपकरण एवं अन्य साजो सामान सहित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। ये 500 बेडेड अस्पताल जो ग्रेटर नोएडा का था उसको चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित जो हमारा संस्थान है उसको हस्तांतरित कर दिया गया, उस पर सहमति दे दी गई। नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा से संबद्ध 500 बेडेड अस्पताल जो 15 एकड़ भूमि पर निर्मित है को भूमि उपकरण और अन्य साजो सामान सहित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाने पर मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दे दी। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क मिल जाएगा। इसका वर्तमान में संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा। अभी तक जो ग्रेटर नोएडा का संस्थान करता था। दूसरा विषय है IIT कानपुर के अंतर्गत 500 शैया युक्त सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी MMRT की स्थापना की जाएगी। इसमें ये 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को 5 साल में 50 करोड़ रुपए देना है, 10 करोड़ रुपए साल। ये अपने आप में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। जल्दी स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जी। और अभी पूरा हो जाए। इसके अलावा एक प्रस्ताव है, ये लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किए जाने के संबंध में जो पलिया में अभी तक हमारे पास हवाई पट्टी है उसके विस्तारीकरण के संबंध में ये प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृत दी गई है। इसमें ये 3 गांव की जमीन ली जा रही है 265.1977 हेक्टेयर। ये लगभग 655.30 एकड़ बनती है। ये लगभग 271 करोड़ 62 लाख 64 हजार 438 रुपये इसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं। ये गजरौरा मुझा फुलवरिया 3 गांव की इसको कम से कम 72 सीटर जहाज भी इस पट्टी पर उतर आए, हवाई पट्टी पर। इस प्रकार का विस्तारीकरण इस पे किया जा रहा है। इसके अलावा एक हमारे विभाग का है जो आप बता रहे थे, ये अभी तक एक और है जनपद मथुरा में अंतर्गत तहसील सदर मथुरा के ग्राम
जछौदा में जन सुविधाओं पड़ाव एवं शिल्प ग्राम की स्थापना के लिए समाज की भूमि को पर्यटन विभाग को निवर्तन पर निःशुल्क स्थानांतरित किए जाने के संबंध में जो औपचारिक है कि वहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रकार की भूमि को जो है निःशुल्क स्थानांतरित किया जा रहा है। ये 6.859 हेक्टेयर भूमि मथुरा गोवर्धन मार्ग पर तहसील सदर स्थित ग्राम जछौदा में ग्राम समाज की लगभग इतनी भूमि पड़ी हुई। इसको तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा एक आदर्श पड़ाव एक विश्राम स्थल एवं शिल्प ग्राम के रूप में एक बहुउपयोगी सुविधा केंद्र विकसित हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग का जो आप बता रहे थे, हमारे विभाग का है कि अभी तक कर्मचारियों को जितने भी प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं वो अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं। उनकी वेतन वृद्धि अगर 1 तारीख को आती है तो अभी तक ये व्यवस्था थी कि उनको उस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था उनकी पेंशन और ग्रेचुटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उसके आधार पर पहले जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कर दिया गया था कि उनकी वो वेतन वृद्धि जो उनको 1 तारीख को होना प्रस्तावित है, 1 जनवरी को या 1 जुलाई को, वो उनको शामिल करके और उसका लाभ देते हुए उनको पेंशन और ग्रेचुटी में लाभ दे दिया जाए। जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए हम पहले कर चुके हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो लोग 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई या 1 जनवरी को प्रस्तावित है, वो उसमें शामिल करके उनको उसका पेंशन और ग्रेचुटी का लाभ दे दिया जाए। कैबिनेट ने इसके अलावा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण के लिए ली गई भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न तिथियों में जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियां, अधिसूचनाओं और शासनादेशों को अनुमोदित किया है। समय समय पर परियोजना से जुड़े निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। परियोजनाएं 200 करोड़ रुपए की अधिक थी, ये सभी परियोजनाएं पूर्णता के कगार पर है। 31 में से 5 परियोजनाएं पुनर्रचित लागत पूर्व में ही स्वीकृत हो चुकी है, शेष 26 की स्वीकृति आज की बैठक में प्रदान की गई है। ये 26 परियोजनाएं झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर की और विंध्य में अपने मिर्जापुर सोनभद्र की परियोजना है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 10,185 करोड़ थी और पुनर्रचित लागत 11,580 करोड़ है। इस प्रकार की परियोजनाएं में और 1,394 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें कार की लागत वृद्धि में 600 करोड़ ऐसे हैं जो कार के स्कोप में वृद्धि के कारण है, जिसमें मुख्यतः ग्रामों के अंदर पाइपलाइन की वृद्धि हुई है, मतलब गांव बस गए इधर उधर पाइपलाइन जो बढ़ाना है। और बाकी परियोजना जैसे GST, उसके पहले था तो GST में पहले 12% था तो 18% हो गया, यानी 6% की वृद्धि हुई, तो लगभग 561-600 करोड़ के आसपास वह खर्चा हुआ। बाकी जो हुआ सभी विभागों की NOC होती है, सभी विभागों को लिया जाता है, उसमें खर्चा होता है मूल रूप से लगभग 500-600 लगभग करोड़, ये अपने कार्य योजना में स्वीकृति हुई है। ये पूरी हमारी 26 परियोजना थी। 26 परियोजनाओं का नाम लंबा है इसलिए बुंदेलखंड में जो व्यवस्था है यहीं जिलों की परियोजना ये हमारी स्वीकृत हुई है। अब ये सब होने से 2 महीने में लगभग हम बुंदेलखंड के सभी काम जो पेमेंट ठेकेदारों का है ये सभी काम हो जाएंगे कंप्लीट, 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी बुंदेलखंड और यहाँ की परियोजना। धन्यवाद। हाँ बुंदेलखंड बिंदु मतलब कुल मिलाकर ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा। हाँ पाइप जैसी और ये दूसरा है मिर्जापुर सोनभद्र। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें
खबरनामा और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।